गर्मी का मौसम छोटे से गांव में एक महात्मा पधारे। महात्मा को होली चल रही थी, सामने लाया हुआ आहार नहीं लेते थे, बोलकर बनाते नहीं थे, उनको लगा कि गिनती के घर है, पांच घर उस गांव पूरे गांव में है, होली की तो छोड़ो रेगुलर गोचरी भी मिलनी मुश्किल है, आज तो शायद लुखी रोटी भी एम्बिल में नहीं मिलेगी। ऐसा उन्होंने मन में सोच लिया। भगवान के दर्शन किए मंदिर में बैठकर। मंदिर में बैठने के बाद, दर्शन करने के बाद, चेतवंदन पूरा होने के बाद पचकान लिया एम्बिल का। फिर दोपहर को पड़ी लेन करके गोचरी के लिए निकले, पहले घर, दूसरे घर, कहीं पर भी एम्बिल की गोचरी लूखी रोटी भी नहीं मिल रही है। तीसरे घर में गए, देखा तो एम्बिल की सभी रसोई बनाकर बनी हुई है, मूंग का पानी, पटोरिया, मूंग, लूखी रोटी, सभी एम्बिल की रसोई। उन्होंने पूछा, बहन एम्बिल है? हाँ साहब एम्बिल है। आज तो तिथि भी नहीं है, होली चल रही है आपकी? नहीं साहब, अटक रही है, लगा कुछ गड़बड़ है। बहन बताओ, आज तिथि नहीं है तो फिर आपने एम्बिल क्यों किया? साहब आप लीजिए ना, मैंने मेरा एम्बिल है, आप उसमें से ले सकते हो साहब। नहीं बहन, पहले बताओ साहब, चित्तवंदन करने के बाद जब आपने एम्बिल का पचकान लिया ना, तब आपके पीछे चित्तवंदन कर रही थी मंदिर में, मुझे लगा पांच घर है जहाँ गोचरी भी संपूर्ण नहीं मिलती है, इनको एम्बिल की गोचरी कहाँ मिलेगी, उसी समय मैंने भी एम्बिल का पचकान लेकर एम्बिल किया। ये होता है अहोभाव। गुरु भगवान के आंखों में आंसू की बहन, अहोभाव आपका, उसको वंदन करता हूँ, एक महात्मा की फिक्र की आपको वंदन करता हूँ, लेकिन ये ले नहीं सकते। साहब क्यों नहीं ले सकते हैं? जब आपने बनाया होगा ना, तो हमारा इंटेंशन, हमारा आशय उसमें मिला हुआ होगा कि एक महात्मा को भी एम्बिल है, तो उस आशय से बनाया वो कुछ, वो भी दूषित हो जाती है हमारे लिए एक अपेक्षा से, इसलिए नहीं ले सकते। वो बहन दरवाजे पर खड़ी हो गई, दरवाजे पर खड़े होकर उसने हाथ रख दिया आगे, साहब नहीं जा सकते आप, हमारे भाई महाराज साहब होते और वो इस तरह से एम्बिल की गोचरी के लिए फिरते, उनको लूखी रोटी भी नहीं मिलती, तो क्या उनकी बहन के गले से निवाला उतर पाता? साहब आप हमारे भाई महाराज की तरह हो, हम आपकी बहन की तरह, एक काम करना है, फिर भी आपको जाना है ना, तो अट्ठम का पचकान देकर फिर आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ये होता है अहोभाव, महात्माओं के प्रति अहोभाव। शासनम जिन शासनम, शासनम